हेलो गाइस, हमने ईस्ट साब इंडिया में ट्रेड लिया है। मैंने जैसे बोला था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ईस्ट साब इंडिया लुकिंग गुड फ्रॉम दिस लेवल, और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। इसमें अभी ब्रेकआउट भी हो चुका है। करंटली देखो 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं हम आगे ये कैसे पोजिशन एग्जीक्यूट होती है हमारी। फिलहाल तो ये ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर, सस्टेन किया तो ये और ऊपर जाएगा। देखते इसमें पोजिशन कहाँ तक होल्ड की जा सकती है। मैं फिलहाल बुक करने का सोच रहा हूँ 22.8.31.23। रेड कैंडल बन गई, इस पर तो मैं बुकिंग नहीं करूंगा, पर 22.21 सेलर्स कम हो रहे, बायर्स बढ़ते जा रहे ईसैब इंडिया में। ये मुझे लेवल अच्छा लग रहा प्रॉफिट बुक करने का। अगर ये 20 तक आता है तो और बड़ा, पर मैं बुक कर लूंगा प्रॉफिट इधर हमारा। इसे अब हमने बुकिंग कर ली प्रॉफिट। सो अभी हमने क्या किया वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैंने जो कल वीडियो डाला था इंट्राडे का मैंने आपको क्या बोला था, अगर शेयर कोई एक रेंज में चल रहा है, ये कल की वीडियो का मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसा अगर चल रहा है तो इसमें एक ब्रेकआउट जरूर होता है। इसलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंटली कहा था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या बाकी सब ग्रुप पे कि जैसे कंसोलिडेशन मुझे दिखा मैंने इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ। और मुझे ये कंसोलिडेशन इधर भी दिखा था ये लेवल पे, जैसे ये कंसोलिडेशन मैंने देखा और मैंने देखा ये कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और एग्जैक्टली बाकी मैंने यहीं पे सेल किया। और आप देख सकते हो सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने कहाँ पे सेल किया, मैंने ये लेवल पे सेल किया और वहां से शेयर देख सकते हो कैसे नीचे गिर गया। मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था, कहीं यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस भी लेके जाता ये शेयर, अगर मैंने ज्यादा लालच किया होता या सोचता और बढ़ जाएगा। पर देख सकते थे आप ये नीचे गिरा और मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ से लेके जाता है ये शेयर। तो इंट्राडे में आपको प्रॉपर लेवल पे एंट्री और प्रॉपर कहाँ पे एग्जिट करना है ये सीखना पड़ेगा। आज के ट्रेड में हमने वो यही किया, कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, यही पे एग्जिट बराबर प्रॉपर एंट्री हमारी यह यहाँ पे हुई है 2203 पे कुछ एंट्री हुई थी और हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और देख सकते हो हमारे प्रॉफिट में आज के दिन में हमने ईसैब इंडिया में बुक किया है 3,541 रुपए। तो इस प्रकार से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, लेवल्स रिस्पेक्ट करनी है और दो तीन रूल है, ज्यादा नहीं, दो तीन रूल है। एक तो ये बॉक्स का रूल, उसके साथ साथ ये वीवैप का रूल, और बस दो ही रूल है। बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया, वीवैप के ऊपर था इसलिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये रहा एनालिसिस, शॉर्ट एंड सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।